नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सामान्य विधानसभा चुनाव की बात करें तो जनपद चमोली की तीनों विधानसभा सीटों के लिए अब तक कुल 23 दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र दाखिल किए हैं। इनमें से अभी तक सबसे अधिक प्रत्याशी 11 कर्णप्रयाग विधानसभा से, 8 प्रत्याशी बद्रीनाथ विधानसभा से और सबसे कम 4 प्रत्याशियों ने थराली विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन देखने वाली बात होगी कि जनपद के तीनों विधानसभा सीटों पर और कितने उम्मीदवार नामांकन कर सामने आते हैं। बहरहाल गुरुवार देर शाम को थराली विधानसभा हेतु कांग्रेस से डॉक्टर जीतराम, आप से गुड्डू राम और भाजपा से भूपाल राम ने नामांकन किया। चौथे प्रत्याशी माकपा के कुंवर राम ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस तरह वर्तमान तक थराली से कुल 4, कर्णप्रयाग से 11 एवं बद्रीनाथ से 8 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। थराली विधानसभा की जनता ने पूर्व में मुझे 2012 से 17 तक आशीर्वाद दिया था और इस क्षेत्र की सेवा का अवसर प्रदान किया था और हमने इस क्षेत्र की सेवा पूरे मनोयोग से किया है और आने वाले समय में भी जो थराली विधानसभा की इन 5 सालों पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तमाम कार्य अवरुद्ध हुए, जो विकास होगा उस विकास को आगे बढ़ाने का काम होता है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में जो विकास के लिए तमाम समस्याएं हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, कृषि का जो है बहुत बड़ी समस्या है, तो ये तमाम समस्याओं को हम आगे दूर करने का प्रयास करेंगे और जनता के विकास के लिए, जनता के हित में आगे बढ़ के काम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता का, मातृशक्ति का, युवाओं का, नौजवानों का, व्यापारियों का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनकी जनभावनाओं के अनुसार मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक रही कि 60 पार, तो हम तो ये समझते हैं कि शायद उससे भी आगे हम जाएंगे।